हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कुल बोल कुलबीर में। आज का वीडियो हरियाणा सीटी की जो प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही है उसका 17वां प्रैक्टिस सेट है। 16 प्रैक्टिस सेट इससे पहले आपको प्रोवाइड करवा चुके हैं। जिसने भी अभी तक उनको नहीं देखा है तो उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है सीटी प्रैक्टिस सेट 2024 के नाम से। वो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहला लिंक मिलेगा, उसी पर जाके देख सकते हैं। साथ ही इन वीडियो की अगर आपको PDF चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर लिंक वर्क नहीं कर रहा है तो आप टेलीग्राम पे कूल बॉय कूल बीर लिख के सर्च करें, पहला ही चैनल आएगा, वहां से उसके साथ जुड़ जाइए। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए होने वाले हैं क्योंकि डिटेल सॉल्यूशन करवाया जा रहा है जो भी पीछे आपके एग्जाम हो चुके हैं अभी तक। ठीक है, चाहे वो ग्रुप सी का हो, चाहे डी का हो, सी मेंस का हो, प्री का हो, जो भी हो, सारे के सारे एग्जाम हमने अभी तक यहाँ पे आपके लगभग कवर करवा दिए हैं। तो जिसने भी अभी तक उनको नहीं देखा तो पिछले वीडियो को जरूर देख के आए दोस्तों। ठीक है, और ये जो सीरीज हमारी है एग्जाम तक आपकी चलती रहेगी। ठीक है, तो चलिए ज्यादा समय आपका खराब करते नहीं, जिसको भी मैथ और रीजनिंग करने हैं वो PDF को डाउनलोड कर ले टेलीग्राम से। वह डिटेल सॉल्यूशन भी साथ के साथ दिया गया है, पहले आप निकाल के देखें फिर आप सॉल्यूशन चेक करें। ठीक है, बाकी जो सब्जेक्ट है वो कंप्लीट हम करवा ही रहे हैं आपके लिए। तो चलते हैं सीधे जो क्वेश्चन बन रहे हैं आपके उनके ऊपर। ठीक है, उसके बाद यहां से देखिए पहला क्वेश्चन। यौगिक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह घटक पदार्थों के गुणधर्मों को दर्शाता है। प्रत्येक नए पदार्थ का संघटन सदैव स्थायी होता है। घटकों को केवल रासायनिक वैद्युतिक रासायनिक अभिक्रिया द्वारा ही प्रत्येक किया जा सकता है। तो नीचे दिए गए कूट में से कौन सा सही है? तो ये हो जाएगा आपका बी और सी दोस्तों। प्रत्येक नए पदार्थ का संघटन सदैव स्थायी होता है और घटकों को केवल रासायनिक वैद्युत रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा ही पृथक किया जाता है। तो बी और सी आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पढ़ सकते हैं इसके बारे में। वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक रासायनिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग बनाता है यौगिक कहलाता है। यौगिक का गुण उनके अव्ययी तत्वों के गुणों से भिन्न होता है। यौगिक को अवयवों में साधारण भौतिक विधियों द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता। इसके घटकों को केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोलाइडी विलयन के गुणधर्मों के विषय में सही है? कोलाइडी एक विषमांगी मिश्रण है। विलेय कण स्थिर हो जाता है जब विलेय अस्थिर होता है। कोलाइड इतने बड़े होते हैं कि इससे गुजरने वाली किरण बिखर जाती है और उसका मार्ग दिखाई देने में लगता है। तो इनमें से कौन सा सही है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? डी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन क्या है, ए और सी, ए हो जाएगा और सी हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। ये घटक पदार्थों गुणधर्मों को दर्शाता है। घटकों को केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ से इसकी डिटेल अगर आपको पढ़नी है तो ये देख लीजिए। कोलाइड विलयन एक विषमांगी मिश्रण होता है। कोलाइड विलयन में कण इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को बिखेर सकते हैं तथा इसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। कोलाइड में कणों का आकार वास्तविक विलयन से बड़ा होता है। दूध एक कोलाइड विलयन का उदाहरण है। उसके बाद 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फीचर श्रेणी में किस फिल्म को सामाजिक मुद्दों पर बनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? ये मिला है की फ्यूनरल, क्योंकि मराठी की फिल्म है। ठीक है, फ्यूनरल इसको सामाजिक मुद्दों पर बनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया है। अजय देवगन और दक्षिण भारतीय अभिनेता सूर्या को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है इसमें। ठीक है, उसके बाद है जननांकीय संक्रमण एक अवधारणा जिसे फ्रैंक नोटेस्टिन ने 1945 में विकसित किया था आर्थिक विकास तथा किसके संबंधों की व्याख्या करती है? ये करती है जन्म और मृत्यु दर। ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन हो जाएगा डेथ एंड बर्थ रेट, जो कि एक अवधारणा जिसे फ्रैंक नोटेस्टिन ने वर्ष 1945 में विकसित किया था और आर्थिक विकास जन्म एवं मृत्यु दर के संबंधों की व्याख्या करता है। उसके बाद है सामान्यतः निम्नलिखित में से किसे भूमंडलीकरण का परिणाम नहीं माना जाता? तो ये किसको नहीं मानते? शुल्क अवरोध को, टैरिफ जो बैरियर होते हैं उनको नहीं माना जाता। शुल्क अवरोध, शुल्क अवरोध भूमंडलीकरण का परिणाम नहीं माना जाता है, जबकि भूमंडलीकरण के कारण विभिन्न प्रकार के आयात निर्यात और सीमा शुल्कों को समाप्त किया जा रहा है। इसके विपरीत भूमंडलीकरण के कारण प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, बहुपक्षीय व्यापार समझौते तथा आउटसोर्सिंग को बढ़ावा मिला है। उसके बाद छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन से उद्योग अधिकांशतः सह केंद्रित है? यह हो जाएगा लौह और इस्पात उद्योग।
छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में लोहा एवं इस्पात उद्योग अधिकांशतः संकेंद्रित हैं। जमशेदपुर, बोकारो, दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई में लोह इस्पात के कारखाने लगे हुए हैं। इस क्षेत्र में लोह एवं कोयला की उपलब्धता के कारण इस क्षेत्र में उद्योगों के विकास के लिए अधिक अनुकूल दशाएं मौजूद हैं। उसके बाद है, एक नृत्य मुद्रा में नटराज की कश्यप प्रतिमा का संबंध किससे है? ये हो जाएगा शिव शिव से। ठीक है, जो नृत्य मुद्रा है इसमें नटराज की जो कश्यप प्रतिमा होती है इसका शिव से है। यह प्रतिमा भगवान शिव के तांडव नृत्य का प्रतीक है। उसके बाद बिल्ट इन एक्सेप्शन इंपोर्ट एरर कब आता है? कब आता है दोस्तों, ये देख लीजिए, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये तब आता है जब पूछे गए मॉड्यूल की व्याख्या नहीं गई हो। ठीक है, सी ऑप्शन। इट इज राइज्ड व्हेन द रिक्वेस्ट मॉड्यूल डेफिनेशन इज नॉट फाउंड। जब पूछे गए मॉड्यूल की व्याख्या नहीं की गई हो तब इसे बिल्ट इन एक्सेप्शन इंपोर्ट एरर कहा जाता है। जब इंडेक्स या सबस्क्रिप्ट अनुक्रम की सीमा से बाहर हो तब इसे इंडेक्स एरर कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS फुल फॉर्म है? इसकी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये भी पूछ लेते हैं का नहीं है, नहीं है वाला पूछा है तो ध्यान से देखना है। तो देखिए, मोंगो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, SQL, ओरेकल। तो जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है इसको छोड़ के बाकी सारे DBMS के उदाहरण है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा विकसित एक सेपरेट सीट प्रोग्राम है। ये भी पूछ लेते हैं एग्जाम में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कैसा प्रोग्राम है? एक सेपरेट सीट प्रोग्राम, पिछली बार पूछा भी गया था। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ताओं और प्रोग्रामर्स को डेटा बनाने, पुनः प्राप्त करने, अपडेट करने, प्रबंधित करने की एक व्यवस्थित तरीका प्रदान करता है। MongoDB, MySQL और ओरेकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, उस नेटवर्किंग टोपोलॉजी को क्या कहेंगे जहां हर एक संवाद उपकरण एक केंद्रीय नोड से जुड़ा होता है? उसको बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी दोस्तों, बी ऑप्शन हो जाएगा, स्टार टोपोलॉजी। क्या होता है देखिए, स्टार टोपोलॉजी में हर एक संवाद उपकरण एक केंद्रीय नोड से जुड़ा होता है जिसे हब या होस्ट भी कहा जाता है। इन सभी डिवाइस का जुड़ाव एक स्टार के रूप में दिखाई देता है। कोई भी दो नोड एक दूसरे से सीधे नहीं जुड़ सकते, नोड्स के बीच कम्युनिकेशन केंद्रीय कंप्यूटर के माध्यम से ही होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण नहीं है? तो बात करें सेकेंडरी मेमोरी, देखिए मेमोरी कार्ड भी सेकेंडरी है, हार्ड डिस्क भी सेकेंडरी है, CD रोम भी, बचा क्या रीड ओनली मेमोरी रोम। ठीक है, ये आपका जो है प्राथमिक मेमोरी है। ठीक है, इसके विपरीत मेमोरी कार्ड, हार्ड डिस्क और ये जो आपको बता दिए द्वितीयक मेमोरी के उदाहरण है। उसके बाद है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 395 जो संविधान का अंतिम अनुच्छेद भी है, निम्नलिखित किसके प्रावधान के बारे में बताता है? तो जो अंतिम है आपका वो बताता है आपका जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है, इसका निरसन के लिए। ठीक है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 395 जो संविधान का अंतिम अनुच्छेद भी है, यह भारतीय संविधान अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 के पश्चात कथित अधिनियम की संशोधक या अनुपूरक सभी अधिनियमितियों के साथ, जिनके अंतर्गत प्रीवी काउंसिल अधिकारिता उत्पादन अधिनियम 1949 नहीं है, इसके द्वारा निरसन किया जाना है। ठीक है, उसके बाद नियति के साथ साक्षात्कार भारत की आजादी का एक प्रसिद्ध भाषण है जिसे भारत की संविधान सभा के निम्नलिखित में से किस सदस्य ने दिया था? यह दिया था जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों। ठीक है, नियति के साथ साक्षात्कार भारत की आजादी का एक प्रसिद्ध भाषण है जिसे भारत विधानसभा के सदस्य जवाहरलाल नेहरू ने दिया था दोस्तों, नियति के साथ साक्षात्कार। अभी जो एग्जाम हुए थे उनमें भी पूछा गया था आपका ये पीछे। ठीक है, तो इसको इम्पोर्टेंट है, याद रखना होता है। उसके बाद है, कठोर सतहों जैसे पत्थर अथवा धातु पर उत्कीर्ण लिखाई के अध्ययन को क्या कहते हैं? उनको बोलते हैं दोस्तों पुरालेख शास्त्र, एपिग्राफी। ठीक है, एपिग्राफी बोलते हैं, पुरालेख शास्त्र। कठोर सतहों जैसे पत्थर अथवा धातु पर उत्कीर्ण लिखाई के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र कहते हैं। अभिलेख मोहरों, स्तूपों, चट्टानों और ताम्र पत्रों पर मिलते हैं। ये मंदिरों की दीवारों और ईंटों या मूर्तियों पर उत्कीर्ण होते थे। ठीक है,
उसके बाद है मतदाता जंक्शन का संबंध किससे है। तो मतदाता जंक्शन का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल आपका, ये ऑप्शन क्या है देखिए, जागरूक बनाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बनाई गई रेडियो श्रृंखला। ठीक है, मतदाताओं को जागरूक बनाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बनाई गई रेडियो श्रृंखला है, यानी कि रेडियो का एक प्रोग्राम है मतदाता जंक्शन, याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पे पढ़ लीजिए, मतदाता जंक्शन का संबंध मतदाताओं को जागरूक बनाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बनाए गए साप्ताहिक कार्यक्रम 23 भाषाओं में प्रत्येक शुक्रवार को प्रसारित किया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी आ गई है, आनी प्रत्यय से निर्मित है, आनी से हो जाएगा शिवानी, शिव जमा आनी। ठीक है, दर्शनीय में ये प्रत्यय, धनी में ई है, चाय दानी में आनी है। ठीक है, आनी चाय और दानी, दानी ठीक है, नी हो जाएगा इसमें, तो आपका शिवानी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, शिव जमानी, यानी कि प्रत्येक वर्ड का सही अर्थ निकलना चाहिए, तभी लास्ट में प्रत्यय निकलता है। ठीक है, आगे लगने वाले उपसर्ग होते हैं, पीछे वाले प्रत्यय होते हैं। यहाँ पे अन्य उदाहरण जो दे दिए, देवरानी है, नौकरानी है, नौकर प्लस आनी, देवर प्लस आनी, यानी कि दोनों वर्ड का अलग अलग अर्थ निकलना चाहिए। विराम चिन्ह की दृष्टि से निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य छाटिए, तो यहाँ पे बात करें अरे अरे सांप, तो यहाँ पे क्या चिन्ह आना चाहिए था, अरे अरे के बाद ये वाला चिन्ह आना चाहिए था आपका। ठीक है, ये वाला, जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप, इस वाक्य शुद्ध रूप ये था अरे अरे सांप। उसके बाद कैन दो ऋतुराज काज अवनी उषास लेत किन दो यह ग्रीष्म की भीषण लुआर है, तो वाक्य में कौन सा अलंकार है, तो ये हो जाएगा आपका संध्या अलंकार। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा, तो इसमें संध्या अलंकार होगा। संध्या अलंकार क्या होता है, जहां किसी वस्तु को देखकर संशय बना रहे या संशय होने का पूर्ण वर्णन हो, तो उसको बोलते हैं संदेह। ठीक है, उसके बाद है सारी विच नारी है कि नारी विच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है, तो इस अलंकार में नारी और सारी के बीच संशय है, तो संदेह अलंकार है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और आपको यहाँ पे मिल गया, दिए गए शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे उपसर्ग देखिए सदा प्लस चार, सदाचार। ठीक है, उपसर्ग जो हमने बताया था, आगे जो लगता है इसमें सत जमा आचार सदाचार होता है। ठीक है, तो सत उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहा जाता है जो किसी शब्द या अव्यय के आदि में जुड़कर परिवर्तन ला देता है। ठीक है, आगे जुड़कर अन्य उदाहरण है अधिकार, अधिवार, अत्यंत, अवगत। ठीक है, सारे के सारे के आपके ये उपसर्ग है दोस्तों। उसके बाद है आग के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है, आग अग्नि अनल पावक, तो इनको छोड़ दीजिए, बाकी बच गए क्या, आग अग्नि अनल पावक, तो अनिल रह गया। ठीक है, ए ऑप्शन जो आपका, अनिल किसका होता है, वायु का होता है दोस्तों, वायु का पर्यायवाची, और हवा के पर्यायवाची, और बाकी क्या, वायु, समीर, पवन। ठीक है, अनिल। उद्याचल शब्द के लिए सर्वाधिक उपयुक्त वाक्यांश है, उद्याचल के लिए होता है सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, उदय होता है। ठीक है, और उपतय का होता है पर्वत के पास की भूमि, उपतय का, और ऊषा काल होता है सूर्योदय से पूर्व का समय। ठीक है, उसके बाद पुरुषोत्तम शब्द पद का विग्रह होगा, पुरुषों में उत्तम। ठीक है, उपयुक्त समास में तत्पुरुष समास का कौन सा भाग, पुरुषों में किस में आता है दोस्तों, अधिकरण में आता है, अधिकरण में और पर। ठीक है, ये आते हैं अधिकरण का क्या, इसमें अधिकरण कार्य की विभक्ति में और पर लुप्त हो जाते हैं। ठीक है, उदाहरण क्या हो गया, विग्रह, और यह है समस्त, तो शोक में मगन, शोक मगन हो गया। ठीक है, तो में आ गया ना। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा, इसमें दैहिक हो जाएगा, दैहिक में आपकी दो मात्राएं आनी चाहिए थी, एक मात्रा दे रखी है। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा क्रिया प्रेरणार्थक रूप दर्शाता है, प्रेरणार्थक, तो हकलाना, ये ऑप्शन हो जाएगा प्रेरणार्थक रूप दर्शाता है। प्रेरणार्थक क्या, तो जिस क्रिया से पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, जैसे क्रिया है करना, और कराना और करवाना क्या होगा, प्रेरणार्थक। लिखना क्या है, क्रिया, और लिखवाना क्या होगा, प्रेरणा, किसी दूसरे से कोई काम करवाना, उसी को बोलते हैं प्रेरणा। ठीक है,
उसके बाद निम्नलिखित में से किसी लोकोक्ति का, किस लोकोक्ति का भावार्थ सुसंगत नहीं है? बी ऑप्शन हो जाएगा आपका, बहती गंगा में हाथ धोना असंभव कार्य वो करना, गलत है। अपना काम निकालना होता है इसका तो मतलब दोस्तों, यानी कि अवसर का लाभ उठाना, ठीक है। काला अक्षर भैंस बराबर निरक्षर, मन चंगा तो कठौती में गंगा, यदि मन शुद्ध है तो घर में ही तीर्थन का फल मिल सकता है, बिल्कुल सही है। आप एल मुझे मार जानबूझ कर विपत्ति में पढ़ना। उसके बाद संयुक्त वाक्य के समानाधिकार उपवाक्यों में इनमें से किस प्रकार संबंध नहीं पाया जाता? तो ये विधेयवाचक वाला नहीं पाया जाता दोस्तों, ये ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तद्भव शब्द को उदाहरण नहीं है? तद्भव का, तो देखिए भगत जो है यहाँ पे तद्भव का नहीं, बरस बरखा और बोरा सारे के सारे क्या आपके तद्भव, भगत तद्भव शब्द का उदाहरण नहीं है। अन्य विकल्प देखिए यहाँ पे तद्भव दे दिया और तत्सम, भगत भगत ठीक है, बरस का वर्ष, बरखा का वर्षा, बोरा का भ्रमर, तत्सम तद्भव को बताया था। तत्सम वो है जो सेम टू सेम आपके संस्कृत से ऐसे कैसे लिए गए हैं, और तद्भव वो जो हिंदी मीनिंग करके लिए गए, ठीक है। यहाँ पे भगत संस्कृत में है और भगत ये हो गया हिंदी में, ठीक है। ऐसे मैं आपका खालिस्तान हूँ वाक्य के रिक्त स्थान के लिए कृतगण का सर्वाधिक उपयुक्त विलोम बताना है, तो ये हो जाएगा आपका कृतज्ञ, ठीक है, बी ऑप्शन। दिए गए वाक्यों के किस विकल्प में कारक चिन्ह का सर्वाधिक उपयोग हुआ? कारक का, तो देखिए बाढ़ के जल से पूरा घर डूब गया है, तो बाढ़ के घर से पूरा जल पूरा घर डूब गया है, इस वाक्य में कारक चिन्ह का सर्वाधिक उपयोग होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है? देखिए अयाद्य है, यण है, दीर्घ है, संवर्धी संधि नहीं होती, ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है संधि कहलाते हैं। स्वर संधि के पांच भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वर्धी संधि, यण संधि, अयाद्य संधि, ठीक है, तो संवर्धी संधि ये है, इसका भेद नहीं है। उसके बाद इंग्लिश है, रीअरेंज द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, तो इसका जो ऑप्शन है वो डी हो जाएगा, आर पी एस क्यू, आर पहले पे, पी दूसरे पे, एस जो है तीसरे पे, और क्या जो है फोर्थ पे, ठीक है। तो क्या हो जाए, द ओनली विक्ट्रीज विच लीव नो रिगर्ट रिग्रेट आर दोज विच आर गेंड ओवर इग्नोरेंस, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वी आर रीडिंग इट, ठीक है। दिया गया वाक्य जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस में, इसका एक्टिव स्ट्रक्चर निम्न होगा, एक्टिव तो है पैसिव वॉइस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इजमार प्लस बीइंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, और एक्टिव वॉइस में बदलेंगे तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट इजमार प्लस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट, तो सही हो जाएगा वी आर रीडिंग इट। उसके बाद है ग्रामेटिकल एरर जो है वो बताना आपने, द साइंटिस्ट वाज सीम्ड टू बी एक्साइटेड ओवर द रिजल्ट ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट, इसका हो जाएगा टू बी एक्साइटेड, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। द साइंटिस्ट वाज सीम्ड के स्थान पर द साइंटिस्ट सीम्ड, ठीक है, बी ऑप्शन अच्छा यहाँ पे था, बी ऑप्शन यानी कि ए ऑप्शन गलत था, ए ऑप्शन था द साइंटिस्ट वाज सीम्ड टू की जगह क्या आ जाएगा, द साइंटिस्ट सीम्ड वाज नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि वाक्य सिंपल पास्ट टेंस की एक्टिव फॉर्म में है, अतः यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग होगा। तो स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग एन एक्शन दैट हैपेंड बिफोर द प्रेजेंट टाइम एंड नो लॉन्गर हैपनिंग के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद ये पैराग्राफ इसको पढ़ लेना, आप इसको पढ़ के ही आंसर करना। फाइंड आउट ए वर्ड फ्रॉम द अबव पैसेज विच इज द एंटोनियम ऑफ लीगल, लीगल का एंटोनियम आपने बताना है, तो ये हो जाएगा इलीगल, ठीक है। लीगल क्या होता है दोस्तों, कानूनी या फिर जायज, और इलीगल होता है गैर कानूनी, ठीक है। और थ्रेट होता है खतरा, एक्सटिंक्शन होता है विलुप्त, और फ्यूनल होता है जीव जंतु संबंधी। द स्किन एंड बोन्स ऑफ टाइगर आर ऑल्सो यूज किसमें होते हैं, इन ट्रेडिशनल मेडिसिन, पैसेज की जो पंक्ति है द ट्रेड ऑफ टाइगर साइंस एंड द यूज ऑफ देयर बोन्स इन ट्रेडिशनल मेडिसिन से स्पष्ट है कि डी उत्तर सही है। उसके बाद है द स्किन एंड बोन्स ऑफ टाइगर आर ऑल्सो यूज किसमें यूज होते हैं, पोचिंग फॉर ट्रेड, ठीक है। पैसेज की जो पंक्ति, इंडिया एंड नेपाल इज होम फॉर 2/3 ऑफ द वर्ल्ड टाइगर पॉपुलेशन मेकिंग देम प्राइम टारगेट, आप
पैराग्राफ पढ़ेंगे तो उसमें से आपका आंसर आ जाएगा आराम से, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगले वीडियो में आपका जो पेपर है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अगला वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ बने रहें, वीडियो को शेयर करते रहें, टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ जाइए। ठीक है, आपका इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।